बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। जी व्यूवर्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एक्टिविटीज़ के साथ। इसलिए हम आप लोगों के साथ अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को भी घर बैठे बैठे एक अच्छी सोच मिल जाती है। ठीक है व्यूवर्स, इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही होता है कि हर किसी के पास आजकल कोई टाइम नहीं होता, तो वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद है वो यही है कि घर बैठे बैठे आप लोगों को कोई अच्छी से अच्छी एक्टिविटीज़ का पता चल जाता है। ठीक है व्यूवर्स, तो आज हम ऐसे डिज़ाइन लाएँ कपड़ों का जो कि 12 से लेकर 15 साल की बेबी गर्ल्स पहन सकती हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यही कहना चाहेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, और कॉमेंट्स करें कि हम आगे किस चीज़ की वीडियो बनाएं। ठीक है व्यूवर्स, तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये देखें, हाँ, बहुत ही अच्छा मेहरून एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। जी व्यूवर्स, आप गौर से देखें, इसको मैंने बहुत ही डिज़ाइन के साथ सिलाई किया है। जी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बहुत ही खूबसूरत डोरी के साथ इस पे पर्ल्स लगवाए हैं, जो कि डोरी अलग है, ये ओपन होती है, यहाँ से देख सकते हैं आप। जी व्यूवर्स, आप देखें, ये बीच के जो से एक डिज़ाइन बना हुआ है बीच में, ये फ्रॉक टाइप का है। पहले आप ये देख लें, ये देखें, ये आप लोगों को गाइडलाइन मिल सकती हैं, अगर आप घर में भी अपने बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। ये देख सकते हैं, इस पे मैं ये फ्लावर मैंने लिए हुए हैं और ये वाली बेल मैंने लिए हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, न्यू फैशन में है। ठीक है व्यूवर्स, ये मैंने डोरी इसके लिए ली है और डोरी के साथ मैंने वाइट कलर के पर्ल्स लिए हैं और इसके साथ वाइट कलर का पजामा है। ठीक है व्यूवर्स, इसके बाजू देखें बहुत ही हसीन है, ये देखें जबला स्टाइल का है। ठीक है, और इसके यहाँ पे भी पर्ल्स लगे हैं। ठीक है व्यूवर्स, अगर आप देखें इसके कॉलर देखें, जी इस पे ये मैंने बंचेस लगाए हैं। ज़्यादातर लोग ये बंच इस्त्री के साथ लगाते हैं, लेकिन मैंने ये बंच सिलाई के साथ लगाया। ठीक है, हाथ टांके के साथ लगाया। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे देखें तो इसमें थोड़ा सा कट का डिज़ाइन दिया हुआ है। ठीक है व्यूवर्स, इसके साथ वाइट कलर का पजामा है। इसके कॉलर्स अगर आप देखें बहुत ही अच्छे हैं, ये देखें जेंट्स स्टाइल में। ठीक है, और इसके बाजू जो हैं वो फ्लिपर टाइप के। ठीक है, चलिए अभी आपके साथ दूसरा डिज़ाइन शेयर करते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये देखें हमारा दूसरा कलेक्शन, ये देखें, ये मैंने नेट से मंगवाया है, इंतहाई खूबसूरत है। इस तरह के मैंने दो सूट मंगवाए थे, एक मेरा यानी ब्लैक कलर का और मेरी बेटी का, ये मैंने मंगवाया है पिंक कलर का। तो सेम जैसे कढ़ाई उस पे भी सेम यही चीज़ की है, पर कलर चेंज है दोनों का। ठीक है व्यूवर्स, आप देख सकते हैं इस पे ये स्टार से लगे हुए हैं गोल्डन कलर के। ठीक है, चांद सितारा लगे हुए हैं और इसका जो काम ये ज़रतार का बना हुआ है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता किसी चीज़ के साथ, जैसे ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी, जैसे आप मशीन में भी सिलाई करें तो इजीली ये धुल सकता है। ठीक है व्यूवर्स, ये इसके बाजू हैं और इसके साथ पिंक शलवार है, पिंक ट्राउज़र है और पिंक कलर का दुपट्टा है। अब हम इसका ट्राउज़र आपको दिखाते हैं। जी व्यूवर्स, ये देखें, ये इसका ट्राउज़र है, निहायत ही खूबसूरत ट्राउज़र इसकी एक ही पांचे का बना हुआ है, जैसे यहाँ तक फुल जो एक साइड का जो पांचा है फुल वैसे ही बना हुआ है जैसे गले में बना हुआ है। गौर से आप अगर देखेंगे तो ये भी ज़रतार का बना हुआ है, ना ही बिल्कुल ख़राब नहीं होता और कपड़ा भी बहुत अच्छा है जो कि सर्दी गर्मी दोनों में चल सकता है। इंतहाई जैसे देखें मुलायम सा कपड़ा है, ठीक है, जो सर्दी में भी पहना जा सकता है और गर्मी में भी पहना जा सकता है। ठीक है व्यूवर्स, तो चलें अपने दूसरी ड्रेस की तरफ। जी व्यूवर्स, ब्लैक एंड वाइट यानी के ब्लू, डार्क नेवी ब्लू एंड ब्लैक नेवी ब्लू एंड वाइट कलर मिक्स है। जी व्यूवर्स, इसके गले में डोरी बनाई है, ये देखिए डोरी लगाई है और डोरी में जो है इस तरह के कट्स लगाए हैं और यहाँ पे ये चिकन की बेल लगाई है। ठीक है व्यूवर्स, इस डिज़ाइन को बलोची का डिज़ाइन कहा जाता है। इसके नीचे जो है मैंने इस तरह टसल लगवाए हैं कपड़े के, जिस तरह धागे के टसल होते हैं वो लगवाए हैं। ठीक है, चिकन की बेल मैंने इस पर लगाई है, ये देखें, ये
देखिए ये चिकन की बेल मैंने इस पर लगाई है जो कि ख़राब नहीं होने वाली, और यहाँ पे छोटे छोटे पर्ल्स लगाए हैं, और अगर आप देख सकते हैं इंतहाई सफाई के साथ सिलाई किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ के साइडों पे जो है ना चुने डाली हैं और यहाँ पे भी बेल लगाई है। ठीक है व्यूवर्स, अगर हम इसके बाजू चेक करें तो इसके बाजू पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। ये देख सकते हैं आप, चिकन की बेल मैंने इस पर भी लगाई है। मैं आपको इसका बैक साइड दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं जिसका बैक साइड जो है ना डिज़ाइन में ही होता है। तो जी व्यूअर्स, तो अभी ये देखें इसके बैक साइड पे भी ये चुन्ने साइडों से आएंगी, दोनों साइडों से। ठीक है व्यूअर्स, इस डिज़ाइन को बलोची का डिज़ाइन कहा जाता है और नहायत ही अच्छा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। ठीक है व्यूअर्स, और मुझे तो इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंपल भी है और अच्छा भी लगता है। जी व्यूअर्स, तो हमें कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसे लगा। तो चलिए अपने दूसरे ड्रेस की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, फुल रेड कलर में सूट आ चुका है। जी व्यूअर्स, इसमें हल्के से सितारे लगे हुए हैं और ये चिकन का इसको कहा जाता है, ये चिकन की जिस तरह वाइट सलवारें आती हैं तो ये उसी तरीके में ये चिकन का सूट है। जी व्यूअर्स, अगर आप देखें इसके बाजू में भी मैंने डिज़ाइन बनाया है और इस तरह ये चिकन के जो इसमें डिज़ाइन बना हुआ, इसमें सुराखें भी जैसे बनी हुई हैं पहले से। ठीक है, और ये मैंने इसके लिए बेल ली है इस तरह, ये देखें ये बेल इजीली आपको कहीं भी बाज़ार से मिल जाएगी। जी व्यूअर्स, आप देखें इसके दामन पे भी वहीं कटवर्क का डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह, ये देखें व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, तो अब हम इसके पांचों का डिज़ाइन आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें ये इसके पांचों पे भी डिज़ाइन बनाया है, ये बेल हमने पांचों में दो बार लगाई है और इस तरह की लाइनें भी हम लोगों ने दी हैं ऐसे। ठीक है व्यूअर्स, ये मैंने खुद सिलाई किया है, ये भी आप मुझे बताएं कि कैसे लग रहा है। और जो बेल मैंने बाजुओं में लगाई है वही बेल जो है मैंने पांचों में भी लगाई है। ठीक है व्यूअर्स, ये फुल रेड कलर का सूट है, इसके साथ आप कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं लेकिन मुझे रेड कलर का पसंद है, मैंने और मेरी बेटी ने एक जैसे ही बनाया। ठीक है व्यूअर्स, तो ये इसके साथ रेड कलर का दुपट्टा है। ठीक है व्यूअर्स, आप मुझे कॉमेंट्स करके भी बताएँ कि कैसे लगा आपको। चलें अपनी दूसरी ड्रेस की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें बिल्कुल सादा सा सूट है जिसके गले पे मैंने कटवर्क डिज़ाइन की बेल लगाई है, बिल्कुल पतली सी बेल लगाई है, आप देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल पतली सी बेल लगाई है जो कि अंदर से ब्लैक कलर में है। ठीक है व्यूअर्स, ये मैंने यही वाली बेल जो है ये मैंने बाजू पे भी लगाई है, ये देखें इस तरीके से ये मैंने बाजू पे भी लगाई हैं। और ये क्रीम कलर का है, लीलन का सूट है लेकिन बहुत ही खूबसूरत नरम कपड़ा है। ठीक है व्यूअर्स, और इसके चाके जो हैं वो भी मैंने ये बेल इसके ऊपर लगाई है। ठीक है, ये देखें कटवर्क डिज़ाइन के। ठीक है, ये देखें, ये देखें। ठीक है व्यूअर्स, अब इसका हम ट्राउज़र आपको दिखाते हैं, इसका ट्राउज़र भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें इसके साथ ये मैंने पटियाला बनाया है बच्ची के लिए, तो आजकल पटियाला का बहुत ज़्यादा फैशन है तो बच्ची पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और जचेगा भी। देखें व्यूअर्स, ये वाला, ये देखें ये इसके पांचे हमने बनाए हैं जिस पटियाला के जिस तरीके से होते हैं, और ये वाइट यानी क्रीम कलर और ब्लैक कलर दोनों कंट्रास्ट में है। इसके गला जो है बैक साइड पर इसकी डोरी लगी हुई है, ये देखें व्यूअर्स, आप लोग भी इस तरह से लगा सकते हैं क्योंकि ये इस तरह कपड़े सबसे अच्छा ये है कि इस तरह कपड़े पहनने से बंदा बहुत डिसेंट लगता है और अच्छा लगता है। ठीक है व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।